टू डिग उनकी खुदाई जो थी वो मुश्किल हो जाती ठीक है। एंड ड्रेन बैडली, ड्रेन जो बेसिकली नाली इसका मतलब होता है यानी इनकास बहाव जो होता है वो बुरी तरह से यानी उनका जो है बहाव जो है आसानी से नहीं होता क्योंकि वो मिट्टी जो होती है हमारे पास हैवी हो जाती है ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैंडी सोल्स आर मेड अप ऑफ बिगर ग्रेन्स ठीक है, वो टीनी ग्रेन से क्ले सोल जो जिसमें छोटे ज़रात होते हैं इसमें क्या होते हैं बड़े ज़रात होते हैं ठीक है। विद लार्ज एयर स्पेसिस इसके दरमियान भी यानी स्पेसिस ज़्यादा होती है, बिटवीन दैम वाटर कैन ईजिली पास थ्रू ठीक है, उनमें जो एयर स्पेसिस कम होती है इसमें ज़्यादा होती है इसलिए क्या होता है कैन ईजिली पास थ्रू दी स्पेसिस, पानी जो है आसानी से गुजर सकता है। एंड सो सैंडी सोल्स आर लाइट, ये क्या होती हैं हल्की होती हैं ठीक है, ईजी टू डिग यानी इनकी खुदाई करना आसान होता है एंड ईजीली ड्रेन इनकी ड्रेनेज भी है आसानी से हो सकती है ठीक है। द बेस्ट सोइल कॉन्टेन सम क्ले यानी जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है उसके अंदर हमारे पास क्ले भी होती है सैंड भी होती है ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस जिस मिट्टी के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी मिट्टी को लोम बोलते हैं यानी उसमें वो बेस्ट होती है, उसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं यानी तीनों तरह की मिट्टी पाई जाती है। मच ऑफ द सॉइल फाउंड इन टेम्परेचर रीजन्स कंटेन्स अ मिक्सचर लाइक दिस एंड गुड इज़ फॉर फार्मिंग यानी ऐसी जो मिट्टी जहाँ पे भी होगी ऐसी ज़मीन जो काश्तकारी के लिए यानी फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। सॉइल इन अ डेजर्ट हाउएवर कंटेन्स मोर सैंड यानी जो सहरा की मिट्टी होती है उसमें रेत ज़्यादा होती है एंड क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो, आपको पता है सहरा में जो है प्लांटेशन नहीं होती ठीक है, वहाँ फसलें काश्तकारी जो है वहाँ नहीं होती ठीक है। अच्छा जी ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, इसमें से जो आपने क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सोइल एंड क्ले सोइल यानी इन में डिफरेंस बताना है कि सैंडी सोइल कौन सी होती है और क्ले सोइल कौन सी होती है। अच्छा जिसका आंसर जो है सम सोइल्स आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ टीनी ग्रेन्स स्टक क्लोजली ठीक है, हमारे पास जो है क्लोजली स्टक टुगेदर दीज आर कार्ड क्ले सोइल, ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं क्ले सोइल बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है सैंडी सोइल्स, सैंडी सोइल्स आर मेड अप ऑफ बिगर ग्रेन्स विद लार्ज, हमने पढ़ा अभी लार्ज क्या होती हैं स्पेसेस होती हैं बिटवीन दैम ठीक है। इसका जो आंसर है यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है ठीक है, और जो आपकी होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर वन जो है आपने इसने जो आपने सेकंड वीक की असाइनमेंट मिली है आपको ठीक है, उसको आपने इसके ऊपर राइट भी करना है और इसको आपने लर्न भी करना है ठीक है। तो जो आपकी पहली वीक की असाइनमेंट थी वो मंडे को आपने जमा करवानी है ठीक है, और फिर सेकंड वीक की ले लेनी है, ये आपके सेकंड वीक के वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ हो चुका है ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।